हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। मैकक्लेलैंड की थ्योरी को इवैल्यूएट करेंगे आज। मैकक्लेलैंड की थ्योरी जो है मॉडर्नाइजेशन की या सोशल चेंज की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का ही एक पार्ट है। मतलब मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज होती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी में चेंज होती है। तो कह रहे हैं कि जैसे और भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, टेलकॉट पार्सन है, जिनके बारे में सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है काफ़ी, और दूसरे और इकोनॉमिस्ट हैं, रोस्टोव हैं। वैसे उन्होंने भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में बताया था। दो थ्योरीज, उन दोनों की दो थ्योरीज हो गई जो काफ़ी फेमस हैं। वैसे ही तीसरी मैकक्लेलैंड की मानी जाती है कि ये थर्ड पार्ट है, ट्राइंगुलर पार्ट थ्योरीज का थर्ड पार्ट है ये। मतलब कि ये तीसरी थ्योरी है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी में क्या है कि वो इस चीज़ को बोलते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअलिस्टिक अचीवमेंट मोटिवेशन है ना, वो प्रमोट होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर इंडिविजुअलिस्टिक जो मोटिवेशन है, अचीवमेंट मोटिवेशन प्रमोट होगा तो हमारी सोसाइटी प्रमोट होगी आगे। अब इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट किया जाता है, कितना नहीं किया जाता है, मैकक्लेलैंड की थ्योरी के पीछे काफ़ी सारी रिसर्च है उनकी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपनी रिसर्च करी थी। डॉक्टर सिन्हा ये कह रहे हैं कि देर हैज़ बीन अ टेंडेंसी अमंग इंडियन साइकोलॉजिस्ट एज दी अमंग साइकोलॉजिस्ट ऑफ मैनी अदर कंट्रीज टू अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दी थ्योरी। ही कॉल्स इट द डुप्लीकेशन टेंडेंसी। ही बिलीव दैट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर विक्टिम ऑफ इट। तो यहाँ पे डॉक्टर सिन्हा ये कह रहे हैं कि बेशक इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा वो है, मतलब बहुत फेमस है और सपोर्टेड बाय बहुत सारी इनकी रिसर्च है, लेकिन फिर भी एक जो टेंडेंसी है साइकोलॉजिस्ट की, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं या बहुत ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं हर कंट्री में जो कोई भी थ्योरी को अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हैं। तो उस वजह से इनकी थ्योरी जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। लेकिन द अल्टीमेट एनालिसिस इन द कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्री आर फार डिफरेंट फ्रॉम दैट इन डेवलपिंग कंट्री। मतलब ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम एनालिसिस करें ढंग से तो जो कंडीशंस एक डेवलप कंट्री में होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है डेवलपिंग कंट्री से। और यही एक बहुत मेजर एरर थी मैकक्लेलैंड की थ्योरी में, कि उन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन को एक ही तरीके से मान लिया था, मतलब एक सिंगल टाइप का मान लिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सोसाइटी टू सोसाइटी अचीवमेंट मोटिवेशन में भी तो एक नीड फॉर अचीवमेंट या अचीवमेंट मोटिवेशन में भी तो फ़र्क आ सकता है। जो एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए अचीवमेंट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि एक डेवलप कंट्री के लिए वही चीज़ अचीवमेंट हो। तो उसकी नेचर और उसकी मतलब क्या चीज़ को मोटिवेशन कहेंगे, किस तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं, उसमें भी तो बहुत फ़र्क आ जाता है फ्रॉम अ डेवलपिंग टू अ डेवलप कंट्री। तो द नेचर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब मैकक्लेलैंड की थ्योरी में इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, उन्होंने असेस किया था, कंपेयर किया था अचीवमेंट मोटिवेशन को, लेकिन उसमें वो सारी मोस्टली उस कंट्री उन्होंने कंट्रीज़ को एक तरीके से देखा था, सिंगल मैनिफेस्टेशन ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। मतलब उन्होंने उसको उस तरीके से नहीं देखा कि अगर डेवलपिंग होगी तो उनके अचीवमेंट मोटिवेशन के नीड्स कुछ और होंगे और एक डेवलप कंट्री के अलग होंगे। फ्रॉम अ लिटरेचर सर्वे, रेखा सिंगल एंड गिरीश्वर मिश्रा ऑब्जर्व दैट वेरियस रिसर्च फाइंडिंग्स इन इंडिया क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग अचीवमेंट मोटिवेशन आर पर्टिकुलरली एनकरेजिंग बिकॉज दे सपोर्ट डिफरेंसेज इन अचीवमेंट रेदर देन डेप्रीवेशन ऑफ अचीवमेंट। थ्योरेटिकली दीज फाइंडिंग्स चैलेंज द ट्रेडिशनल फिक्सड ट्रेट बेस्ड यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अचीवमेंट। मतलब जैसे कि एक सर्वे की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेखा सिंगल एंड गिरीश्वर मिश्रा ये कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी रिसर्च फाइंडिंग्स में देखा है कि इंडिया को जब क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन के बेस पे तो उसमें इतने डिफरेंसेस नज़र आते हैं। मतलब इवन इन इंडिया, सिर्फ इंडिया को अगर हम एज अ मिक्स्ड मतलब एक सोसाइटी का मिक्सअप देखते हैं कि इंडिया के अंदर ही कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उसमें खुद एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भी इतने डिफरेंसेज नज़र आते हैं अचीवमेंट में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक डेप्रीवेशन की अचीवमेंट, मतलब डेप्रीवेशन की वजह से है कि कुछ लोगों के पास है चीज़ें, कुछ के पास नहीं है। डेप्रीवेशन के ना होने के बाद भी या डेप्रीवेशन होने के बाद भी उनके अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
और ये थ्योरीज है ना जो वो उस कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली चैलेंज करती है जो हम जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैकलेलन ने अचीवमेंट मोटिवेशन को सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में मेजर किया था या सिंगल डायमेंशन में उसको देखा था। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैकलेलन की थ्योरी फेल हो गई है इंडिया में? तो इन्होंने आंसर लिखा है ऑब्वियसली इट हैज़, बिकॉज कंडीशंस, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉपुलेशन, जितनी भी कंडीशंस हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम हेयर इन द वेस्ट। मतलब वेस्ट क्या है? वेस्ट को एक तरीके से आप मान के चलो वो डेवलप है, और ये डेवलपिंग है, ईस्टर्न साइड डेवलपिंग है। तो दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो क्या है इसमें मेजर पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? पहली चीज़ है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेस में देखें तो अमेरिका इज द न्यू वर्ल्ड विद इमेंस रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड अ स्टेबल पॉपुलेशन। वहाँ पर रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है, पॉपुलेशन स्टेबल है, डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया की, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रिसोर्स हमेशा कम पड़ते हैं। तो यही फर्क आ गया पहली बात। तो JBP सिन्हा हैज फाउंड दैट कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन इज ऑफ लिमिटेड यूज व्हेन रिसोर्सेज आर स्केर्स। मतलब अगर रिसोर्सेज ही कम है तो कॉम्पिटिटिव जो ओरिएंटेशन हो जाती है वो भी लिमिटेड हो जाएगी, आप कैसे कॉम्पिटिशन करोगे? कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन जो है वो तभी डेवलप हो पाती है, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तभी बन पाता है जब रिसोर्सेज अबंडेंट में है। कॉपरेशन बेटर हो पाती है, वेयर एज कॉपरेशन इज बेटर अंडर कंडीशंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जैसे इंडिया में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे हम कॉपरेशन को एनकरेज कर सकते हैं, हम लोगों को आपस में कॉपरेट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लोगों को कॉम्पीट करने के लिए बोल दिया तो क्या होगा कि रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड हैं और वो और ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे, और कॉम्पिटिशन की वजह से वो एक दूसरे के डिस्ट्रक्टिव माइंड डेवलप होंगे, और जिससे कोई भी किसी का फायदा नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन तो तब होगी ना जब रिसोर्सेज अबेंडेंट हैं, जिसके लिए कंपटीशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से कॉपरेशन को एनकरेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स इवेलुएट मैकलेलन थ्योरी इन द लाइट ऑफ दिस। ही बिलीव दैट अचीवमेंट मोटिवेशन, विच इज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस, इज यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट, सच कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन लीड टू फास्ट डेवलपमेंट। अब जैसे कह रहे हैं कि मैकलेलन का ये मानना था कि भाई अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अबंडेंट में तो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगी, लेकिन अगर रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं तो क्या होगा? आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सबके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होगी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे ग्रुप्स में, और वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो क्या, वो बिल्कुल उल्टी तरफ चलना शुरू हो जाएगा, सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाएगी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। सो अचीवमेंट मोटिवेशन के दो डिफरेंट वो आ गए ना, मैनिफेस्टेशंस आ गए। एक हो गई जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, जो एक हो गई जहाँ पे रिसोर्स की बहुत स्केर्सिटी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जहाँ अबंडेंट है वहाँ पे बेटर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसकी यूज हो रहा है रिसोर्सेज का ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ पे वैसे ही स्केर्सिटी है तो कॉम्पिटिशन तो हो ही रहा है, ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया, तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकती उस केस में। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है एक्सटेंशन मोटिवेशन कितनी है। अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जनरेलिटी ऑफ मैकलेलन्स थ्योरी वाज अंडरटेकन बाय पारीक। ही आर्ग्यूज दैट अचीवमेंट मोटिवेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में सिर्फ अचीवमेंट मोटिवेशन को इंक्रीज करवा देना या उसको आप लोगों को मोटिवेट कर दो अचीव करने के लिए, तो वो चीज़ इंडिया में नहीं चलेगी सोशल डेवलपमेंट में। पारीक ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी दो और मोटिव्स होने बहुत ज़रूरी है इंडियंस में, वो है एक्सटेंशन मोटिवेशन एंड डिपेंडेंस मोटिवेशन। यानी कि एक्सटेंशन मोटिवेशन को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि लोग कितना एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं और कितना डिपेंडेंट है, कितने डिपेंडेंस मोटिवेशन कितनी है हमें। पारीक डिफाइंस एक्सटेंशन मोटिवेशन एज अ नीड टू एक्सटेंड द सेल्फ और द ईगो एंड टू रिलेट टू अ लार्जर ग्रुप एंड इट्स गोल्स। मतलब अपने आप को, अपने जितने सेल्फ हैं अपने आप को एक्सटेंड करो, अपने गोल्स को एक ग्रुप के गोल्स की तरह देखो, और जो आपने अचीव करना है वो दूसरों को भी मदद करो हेल्प करने में। डीएम का क्या है, डीएम एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 2-3 बार कि डीएम जो है डिपेंडेंस मोटिवेशन, ये नेगेटिव रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, ये नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे पारी क्या है, कॉपरेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन इंडिविजुअलिस्टिक कॉम्पिटिशन पे, जो मैकलेलन बोलते हैं कि हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो पारी कह रहे हैं इंडिया जैसी कंट्री में कॉम्पिटिशन नहीं कॉपरेशन चाहिए। अचीवमेंट मोटिवेशन अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं करते हैं, पर इंडियन जो सोसाइटी में एक्सटेंशन मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अचीवमेंट मोटिवेशन। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। मैकलेलन हैड ओपाइन दैट ग्रेटर अचीवमेंट मोटिवेशन लीड्स टू ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये उन्होंने बोला था कि जितनी अचीवमेंट मोटिवेशन होगी उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर होगी, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आएंगे, लोगों के अंदर एक डिज़ायर आएगा अपना खुद का कुछ शुरू करने का, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो वो ही इज मेकिंग एन अजम्पशन कि जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पर ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस ओन्स एंड नैंडी हैव शोन दैट हाई अचीवमेंट में इनिशिएट अ पर्सन इन टू एंटरप्रेन्योरशिप बट नॉट नेसेसरीली मेक हिम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ अचीव करने की जो मोटिवेशन है उसकी वजह से आप कुछ शुरू कर दो, कुछ अपना काम शुरू कर दो, कुछ आप किसी भी तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर जाओ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उतना होने से ही आप अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। रे आर्ग्यूज फ्रॉम ए स्टडी इन ब्राजील दैट इकोनॉमिक सक्सेस इज मोर एसोसिएटेड विद डोमिनेंस ओवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे रे भी यही कह रहे हैं कि अगर रिसोर्सेज के ऊपर डोमिनेंस है तो इकोनॉमिक सक्सेस पे फर्क पड़ता है। तो रिसोर्सेज का यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बताया है। फिर आता है नोशन ऑफ अचीवमेंट। तो मैकलेलन ने क्या बताया था कि अचीवमेंट उनके अकॉर्डिंग क्या होता है। मैनी रिसर्चर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट मैकलेलन डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन वाज इटसेल्फ फ्लॉड। मतलब ये कह रहे हैं कि उनकी जो डेफिनेशन थी ना अचीवमेंट की वो ही गलत थी, उन्होंने अचीवमेंट को ही गलत तरीके से देखा था। रेखा सिंगल एंड गिरीश्वर मिश्रा आर्ग्यूड दैट मैकलेलन डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट इज फिक्स्ड ट्रेट बेस्ड यूनि डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अचीवमेंट। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी सेल्फ वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो यही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने अचीवमेंट की बात की थी वो बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब फिक्स्ड है, लेकिन एक फ़र्क होता है लोगों के इंटेलिजेंस लेवल में, फ़र्क होता है पर्सनैलिटी में, फ़र्क होता है उनके कल्चर में, फ़र्क होता है। तो हम एक ही पर्टिकुलर डेफिनेशन अचीवमेंट की हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, सबके लिए अचीवमेंट अलग अलग है। किसी के लिए कुछ और अचीवमेंट हो सकती है, किसी के लिए कुछ और अचीवमेंट, किसी के लिए मनी अचीवमेंट हो सकती है, किसी के लिए फेम अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए सोशल वर्क अचीवमेंट हो सकता है। तो वो डिफर करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ अचीवमेंट। मैकलेलन्स थ्योरी कॉन्सेंट्रेट ऑन यूनि डायमेंशनल अचीवमेंट। अब मैकलेलन ने तो अचीवमेंट को सिर्फ एक कोई चीज़ अचीव करने के तरीके से ही देखा था, लेकिन बहुत अलग टाइप की अचीवमेंट्स होती हैं जो उस टाइम पे मैकलेलन ने अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं की थी। जैसे अब डिफरेंट कंट्रीज का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे जापान क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे इंडिया की तरह एक कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन है। मतलब वहाँ पे भी लोग जो है ना वो दे स्ट्राइव फॉर सक्सेस, उनको भी वहाँ पे सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा एक वो रहता है कि हमें सक्सेस अचीव करनी है। इज मोर मोटिवेटेड बाय द कंसर्न फॉर द रिएक्शंस ऑफ अदर्स और बाय लॉयल्टी फॉर वन ग्रुप टू वन ग्रुप्स रेदर देन बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स। अब क्योंकि ये भी इंडिविजुअल नहीं है, जैसे अमेरिकन की तरह ये जापानीज भी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी से नहीं है, ये हमारे इंडियंस की तरह इनकी भी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। तो इनकी जो सक्सेस होगी ना वो रेदर देन के अपने पर्सनल नीड को पूरा करने से ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए होगा कि अगर वो दूसरों के साथ अपने जो ग्रुप जिसके साथ वो काम कर रहे हैं या जो जो उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं उनके साथ कितने लॉयल हैं, उनसे इनकी मोटिवेशन जो है वो जुड़ी होती है कि वो कितना अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वो हमें किस तरीके से इवेलुएट करते हैं उस चीज़ पे हमारी सक्सेस डिपेंडेंट होती है, और यही सेम चीज़ जापान में भी मानी गई है क्योंकि वो भी एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। तो उनका अचीवमेंट और नोशन ऑफ अचीवमेंट एकदम अलग हो गया वेस्ट से। सलीली फाउंड इन ईरान दैट देर इज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंटेंशंस रेदर देन आउटकम्स इन द कल्चर ऑफ ईरानियन सोसाइटी।
मैक्लेलन परहैप्स डिड नॉट रियलाइज दैट एम इज आफ्टर ऑल सोशल मोटिव ऑफ स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस एंड सक्सेस इज डिफरेंटली डिफाइंड इन डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दूसरा इन्होंने दिया है कि ईरानियन सोसाइटी में भी जैसे आपकी इंटेंशन क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रेदर देन उसका आउटकम क्या आया है। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि बेशक मैक्लेलन ने ये बोला था कि अचीवमेंट मोटिवेशन जो होती है वो सक्सेस के लिए स्ट्राइव करना होता है, लेकिन वो ये चीज़ मेंशन करना उन्होंने वो भूल गए, उन्होंने नहीं किया अपनी थ्योरी में कि सक्सेस हर एक कल्चर में फ़र्क होती है, हर कल्चर टू कल्चर सक्सेस भी बदल जाती है। नाउ थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन इज द टेंडेंसी टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होती है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस कि किसी चीज़ में भी हमें सक्सेसफुल होना है। फॉलोइंग मैक्लेलन्स रेवलेशन दैट अचीवमेंट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एटकिंसन फॉरवर्डेड एन इंट्रैक्शन मॉडल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। दिस मॉडल सीक्स टू प्रेजेंट अ फॉर्मूला स्टेटिंग द नीड फॉर सक्सेस एंड फियर ऑफ फेलियर इन्वॉल्व इन डूइंग एनी टास्क। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन मॉडल के बारे में हम बात करेंगे जो एटकिंसन ने दिया है, और वो किसके ऊपर बेस्ड है मॉडल, वो मैक्लेलन की ही थ्योरी पे बेस्ड है जिन्होंने उनमें जिसमें उन्होंने बोला है कि रिस्क लेने के ऊपर बिहेव करता है कि हम कितना रिस्क लेते हैं, हमारी अचीवमेंट मोटिवेशन से हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी जुड़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूला में क्या है, नीड फॉर सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करी हुई है। बेस्ड ऑन दी सम टोटल ऑफ सक्सेस मोटिव एंड फियर ऑफ फेलियर द इंडिविजुअल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन वेदर टू वेंचर फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। तो हम लोग सब क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि कितना सक्सेस जरूरी है हमारे लिए और उसमें फेल होने का कितना चांस है, और दोनों के टोटल जो भी स्कोर्स बनते हैं उसको कंपेयर करके हम फाइनल ये डिसाइड करते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो यही चीज़ के बारे में इन्होंने फॉर्मूले के थ्रू बात करी हुई है। देर आर सिक्स वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एटकिंसन मॉडल। फॉर्मूले में छः वेरिएबल हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्सपेक्टेंसी कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, तो ये PS की तरह डिनोट करेंगे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। फिर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कि आप अपनी फेलियर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसको PF बोला हुआ है। इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस को IS, नेगेटिव इंसेंटिव वैल्यू ऑफ फेलियर को इन्होंने लिया है IF, मतलब इंसेंटिव वैल्यू ऑफ फेलियर। फिर अचीवमेंट मोटिव यानी कि MS एंड मोटिव टू अवॉइड फेलियर इज MAF। ये वेरिएबल्स जो आपको बता रहे हैं इसके बारे में अभी ये नीचे एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये क्या है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल से शुरू किया हुआ है। लेट्स से यू वॉन्ट टू ओपन अ बुक स्टोर इन ओल्ड राजिंदर नगर मार्केट न्यू दिल्ली। तो सपोज आप राजिंदर नगर मार्केट में अपना एक बुक स्टोर खोलना चाहते हो, क्या वो वहाँ पे काम करेगा? तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कि वहाँ पे वो काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, क्या वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या वहाँ पे आपकी बुक स्टोर से किताबें बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। आप कुछ चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कुछ चीज़ों से। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो इवेलुएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि PF, आप ये भी सोचोगे कि क्या वो बिजनेस फेल हो सकता है, वहाँ पे कितना फेल हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए उस एरिया की। बोथ PS एंड PF आर सब्जेक्टिव क्वांटिटीज। अब ये सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो जरूरी नहीं है दूसरा वैसा सोचे। आप सोचोगे वहाँ पे मेरी शॉप चल जाएगी हाँ क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा सोचे कि शायद वहाँ पे ना भी चले क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स की शॉप्स हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेंसीज हैं, इसलिए इसको बोला हुआ है सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेंसी, चाहे वो सक्सेस की हो चाहे वो फेलियर की हो। ओके, नाउ बिकॉज दे आर योर एक्सपेक्टेंसीज नॉट ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। सिमिलरली व्हाट इज इंटेंसिव ऑफ सक्सेस, इंसेंटिव ऑफ सक्सेस। इंसेंटिव ऑफ सक्सेस क्या है, व्हाट मे बी द फॉल आउट ऑफ द फेलियर, क्या फेलियर होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। फाइनली देर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ फेलियर, फेलियर जो है हमेशा फियर ऑफ फेलियर तो रहते ही है, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल प्लान हो आपका, आपको ये तो डर लगता ही है कि अगर वो फेल हो गया तो यू विल बी डिनाउंस्ड एट इनकॉम्प, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अगर फेल हो जाओगे तो आपको लगेगा कि सब लोग मुझे सोचेंगे कि मैं एक लूजर हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ।
सो देर इज अ मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि किसी तरीके से हम फेलियर को हम अवॉइड कर सकें, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है MAF को लेकर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। इफ दिस मोटिवेशन इज वेरी हाई, वन हैज टेंडेंसी टू अवॉइड वर्क। तो अगर आपकी मोटिवेशन ऑफ टू अवॉइड फेलियर ज़्यादा है, मतलब आप फेलियर को नहीं देखना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, तो आप अपना काम ही नहीं करोगे। क्यों? आप डरोगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, छोड़ो, करता ही नहीं हो। टेंडेंसी टू अवॉइड वर्क, फियरिंग दैट नेगेटिव आउटकम ऑफ द वर्क विल लीड टू नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम अदर्स। तो क्या होगा सब, अगर आपका मोटिव टू अवॉइड फेलियर ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आप वो काम ही नहीं करोगे जिससे आपको फेल होने का डर लग रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। द ओवरऑल मोटिवेशन इन अटकिंसन मॉडल हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस एंड टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर। तो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, एक ये है टेंडेंसी कि आप कैसे सक्सेस अचीव करोगे, या फिर एक ये टेंडेंसी है कि आप फेलियर कैसे अवॉइड करोगे। कौन सी बेटर होनी चाहिए? सक्सेस कैसे अचीव करोगे इसके बारे में ज़्यादा चिंता होनी चाहिए कि फेलियर कैसे अवॉइड करोगे उसके बारे में? अब खुद सोच के देखो कि किस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो अब जैसे टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस का ये फॉर्मूला इन्होंने बोला है, TS इज इक्वल टू MS इंटू PS इंटू IS। MS क्या है, हमने ऊपर देखा था MS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ये रहा MS, अचीवमेंट मोटिव, MS अचीवमेंट मोटिव, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि MS इज अ रिलेटिवली स्टेबल करेक्टरिस्टिक। MS जो है हम सबका एक स्टेबल करेक्टरिस्टिक है लोगों का, और PS एंड IS हमारी परसेप्शंस है कि कितना हम सक्सेसफुल होंगे और क्या इंसेंटिव है उसका, ये हमारे खुद के परसेप्शंस हैं। नाउ TS मीन्स टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस इज इक्वल टू कितना हमारा मोटिवेशन को लेके वी आर मोटिवेटेड टुवर्ड सक्सेस, हमारी परसेप्शन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की तरफ, और उसके इंसेंटिव्स क्या है। इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट आता है इक्वल टू टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस। एस्किलोना एंड फेस्टिंजर हैड ऑब्जर्व दैट अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ टफ टास्क इज ऑलवेज मोर अट्रैक्टिव टू अ पर्सन देन अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ इजी टास्क ऑफ एन इजी टास्क। अब ये कह रहे हैं कि अगर टास्क ज़्यादा टफ होता है तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है उसको पूरा करने में, मतलब ज़्यादा मुश्किल होगा तो ज़्यादा अचीव करने में उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, रैदर देन कि ईजी टास्क को अचीव करने में। बेस्ड ऑन दिस रैशनल एटकिंसन आर्ग्यूड दैट IS इज इक्वल टू 1 माइनस PS एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला बिकम्स। अब इन्होंने ये फॉर्मूला यूज करा है PS की जगह, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की जगह इन्होंने PS तो रखा है, सॉरी IS जो लिखा था ऊपर फॉर्मूले में, पूरा फॉर्मूला यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। आपका फॉर्मूला था हमने जो ऊपर देखा, अब IS की जगह इन्होंने क्या किया, बोला IS इज इक्वल टू 1 माइनस PS, तो IS की जगह आ जाएगा 1 माइनस PS। ऐसे द फॉर्मूला बिकम्स लाइक दिस। टू इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस फॉर्मूला आर, अब इससे क्या होगा, नंबर 1, टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस इज स्ट्रॉन्ग व्हेन अ टास्क अपीयर्स टू बी ऑफ इंटरमीडिएट डिफिकल्टी। अगर टास्क की डिफिकल्टी इंटरमीडिएट होगी तो आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर टास्क ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, इंटरमीडिएट है, और आपको लगता है ऐसा कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, तो सक्सेस की ऑब्वियसली टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। अब इसको इन्होंने कैलकुलेट करा हुआ है, दिस इज बिकॉज द प्रोडक्ट PS इंटू 1 माइनस PS इज मैक्सिमम 0.25 व्हेन PS इज 0.5। इन्होंने वैल्यू दी हुई है कि अगर PS की वैल्यू 0.5 लेते हैं तो जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है वो मैक्सिमम 0.25 तक जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने इसको न्यूमेरिकल फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इफ द डिफिकल्टी इज वेरी हाई और वेरी लो, TS इज वेरी लो, तो प्रोबेबिलिटी, ये PS जो है, अब देखो वेरी हाई का क्या मतलब है, वेरी टफ टास्क है अगर, तो उसकी इन्होंने प्रोबेबिलिटी ली है 0.1। तो 0.1 अगर प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो TS क्या हो जाता है, 0.1 इंटू 0.9,
वेयर एम एस इज इक्वल टू 0.9। ये आपको थोड़ा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ये वैल्यूज यही वाली आ रही है कि नहीं। सिमिलरली पी एस इज इक्वल टू 0.9, तो 0.1 मतलब बहुत ही टफ हो गया टास्क। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया हुआ है, दिस इज वेरी टफ, वेरी टफ। 0.9 का मतलब है वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी 0.9। तो प्रोबेबिलिटी अगर 0.1 है तो क्या आएगा, और 0.9 है अगर वेरी इजी टास्क है तो क्या आता है। तो दोनों ही केस में हम करके देख लेते हैं एक बारी। देखो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसमें आपको ये तीन वैल्यूज पुट करके देखनी है। ये तीनों वैल्यूज कौन सी है, 0.01, 0.05, 0.09। 0.01 मतलब वेरी टफ, यानी कि आपका टास्क बहुत टफ है। 0.05 मतलब इंटरमीडिएट है आपका टास्क, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा मुश्किल है, इंटरमीडिएट टास्क है, ना ज़्यादा इजी है। 0.09 यानी कि वेरी इजी। जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपकी टी एस की वैल्यूज अलग अलग निकल के आएंगी। टी एस की वैल्यू मतलब आपकी टेंडेंसी ऑफ सक्सेस कितनी है। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, मैंने कैलकुलेट भी करके देखा है, जब अगर आप यहाँ पे पी एस में 0.25 पुट करते हो, सॉरी 0.25 नहीं, आपने 0.5 लेना है, इंटरमीडिएट वैल्यू लेना है। अगर आप पी एस की वैल्यू 0.5 पुट करते हो, यानी कि यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, जो कि ये 1 माइनस 0.5 करोगे तो भी 1.5 ही आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है एम एस 2.5, 0.25। तो ये आती है टी एस की वैल्यू इस केस में, अगर हमने पी एस को 0.5, मतलब अगर आपका टास्क इंटरमीडिएट है तो आपका जो टेंडेंसी ऑफ सक्सेस है वो 0.25 है। वही अगर हम टास्क को वेरी टफ या वेरी इजी लेते हैं, कोई भी आप ले लो दोनों में से, चाहे 0.1 ले लो चाहे 0.9 ले लो, दोनों को यहाँ पुट करके देखो एक बार, पहले 0.1 को देखो और फिर 0.9 को यहाँ पुट करके देखो दोनों जगह, दोनों ही केस में आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.09, एम एस 0.09, 0.09। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो बहुत टास्क टफ है, यहाँ फिर बहुत टास्क इजी है, दोनों के केस में टेंडेंसी ऑफ सक्सेस सेम आएगा आंसर, जो कि ऑब्वियसली इससे कम है। 0.25 से आप देख रहे हो कि 0.09 कम है, कौन सी बड़ी है दोनों में से, 0.25 इज ग्रेटर देन 0.09। तो कह रहे हैं ये इस तरीके से, आपको ये बताना चाह रहे हैं इस इक्वेशन से कि अगर हमारा टास्क इंटरमीडिएट है, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा इजी, तो हमारी टेंडेंसी ऑफ सक्सेस ज्यादा आती है, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है सक्सेसफुल होने की ज्यादा। वही अगर हमारा टास्क बहुत ही टफ या बहुत इजी हो तो टेंडेंसी ऑफ सक्सेस कम आती है, क्योंकि हमारे अंदर की टेंडेंसी कम हो जाती है सक्सेसफुल होने की, अगर टास्क बहुत इजी या बहुत टफ हो। पहली चीज़ तो उन्होंने इस तरीके से बताई है। दूसरा ये कह रहे हैं कि वेन द टास्क डिफिकल्टी इज हेल्ड कॉन्स्टेंट, अगर हम पी एस को कॉन्स्टेंट ही मान ले बिल्कुल, मतलब उसकी वैल्यू के कर दें या कॉन्स्टेंट मान ले जो चेंज नहीं होता, तो टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अचीवमेंट मोटिवेशन। तो फाइनली क्या होगा, टेंडेंसी टू सक्सेस किससे किसके साथ वो हो जाएगी, अगर हम मल्टीप्लाई बाय इसको के कर देते हैं, के मीन्स कॉन्स्टेंट है पी एस, तो मतलब टेंडेंसी टू सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अचीवमेंट मोटिवेशन। तो फाइनली यही आता है कि आपकी जो टेंडेंसी टू सक्सेस है वो आपके अचीवमेंट मोटिवेशन पे डिपेंड करती है। एन इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला इज दैट पीपल हाई ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन विल प्रेफर टू गो फॉर द टास्क ऑफ इंटरमीडिएट रिस्क। तो मतलब जिनके अंदर कुछ अचीव करने का मोटिव है, ना तो वो बहुत टफ टास्क उठाएंगे ना वो बहुत ईजी टास्क लेंगे, वो इंटरमीडिएट रिस्क वाला टास्क लेंगे जिसमें उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लगे और वो उसको अचीव भी कर पाए। तो ना तो बहुत ही इजी टास्क लेंगे ना ही बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल रख लेंगे जिसको वो कभी पूरा नहीं कर सकते। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा है टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।